नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए साल में हो गए नया धमाका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बदलते ग्रहों की चाल हमारे जीवन काल में कई प्रकार के बदलाव करते हैं, और जब इन ग्रहों की बदलती चाल में हमारे जीवन काल में ईश्वर का आशीर्वाद आ जाए तो दोस्तों उनका एक अलग ही महत्व होता है, उनका एक अलग ही परिवर्तन होने लगता है। जी दोस्तों, और यश में भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही वरदान बनकर आए हैं। आप शिव के जीवन काल में या नए साल के मौके पर आप शिव के जीवन काल में जो खुशियां आपको देने वाले हैं दोस्तों, आप इन्हें कभी भूल नहीं सकते। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाली है। क्यों दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप भगवान शनिदेव के लिए कर देंगे तो दोस्तों आने वाले अगले 33 वर्षों तक भगवान शनिदेव आपके ऊपर धन को लुटाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कितना महत्वपूर्ण होगा यह बात अगर आप समझ गए हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो घटनाएं आपको बताने वाले हैं, जो खुशखबरियां आपको देने वाले हैं, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो चमत्कार आपके जीवन काल में होने वाले हैं दोस्तों, सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, निवेदन बस आपसे यही है कि हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक बात आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा गुरु जी का और भगवान शनिदेव जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। आपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी जरूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियां जहां देखी है वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएं होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएँ होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है। आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़ी ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और आप जहाँ हैं वहाँ पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं,
दिलो जान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएं भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियाँ भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयाँ करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपकी जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों यश में तरक्की के नए रास्ते खोलने में भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, परिस्थितियां अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों अचानक ही किसी फेरी मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी, और दोस्तों किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत भी यशमय हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कभी कभी शक और क्रोध की वजह से बेवजह किसी के साथ मतभेद होने की आशंका भी लग रही है। दोस्तों यशमय अपनी जो है मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कमी आ सकती है, इसे दोस्तों विद्यार्थीगण पढ़ाई में अपना ध्यान को केंद्रित करें, अतः यश में धैर्य बनाकर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए सिम होंगे। दोस्तों आपके अंदर बढ़ता अकेलापन, अभी इनसिक्योरिटी भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय आप गलतियां कर सकते हैं, जिसका असर आपको निजी भविष्य में नजर आएगा। दोस्तों बड़े निर्णय लेते समय जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है उस व्यक्ति के साथ चर्चा करके निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में अपने कार्यों से संबंधित जो है नीतियों को दोबारा से विचार करके उस पर और अधिक सुधार लाने की प्रयास करें। दोस्तों आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अगर कोई पैतृक संबंधी मामला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत ही अच्छा और आसानी से उन्हें आप हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचाए। आप जो है यश में अधिकतर काम घर में रहकर ही पूरा करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों दूसरों से ज़्यादा उम्मीद ना रखकर अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपका सामाजिक कार्य में विशेष सहयोग भी रहेगा,
आपके द्वारा लिए गए निर्णय या फिर दिए गए दान पुण्य की वजह से आपको मानसिक समाधान भी प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे किसी सामाजिक संस्था के साथ सराहनीय काम करने से आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। दोस्तों स्त्री वर्ग के लिए यश में दिन जो है खास तौर पर लाभदायक रहेगा। दोस्तों यह समय भविष्य संबंधी कोई भी योजना ना बनाकर वर्तमान के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों कभी कभी गुस्सा हावी होने की वजह से किसी के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होंगी। दोस्तों महत्वपूर्ण वस्तु को रखकर भूलने या फिर खो जाने की वजह से तनाव रहेगा, परंतु चिंता ना करें, वस्तु आपको घर में ही मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यह समय काम संबंधित यात्रा में सफलता मिलेगी। काफी दिन के बाद परिवार के लोगों से मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिसके द्वारा आपको खुशियों की प्राप्ति भी होगी। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे यश में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना भविष्य में बहुत अधिक लाभदायक साबित होगा। सिर्फ यह समय योजनाओं को उचित तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत होगी। दोस्तों यह समय घर के रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी भी योजनाएं बनेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर में बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना पारिवारिक लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अपने स्वभाव में समय के अनुसार परिवर्तन लाना आपके लिए आवश्यक होगा। कभी कभी आपकी दिखावे की प्रवृत्ति भी आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों यश में इस बात का भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको अधिक मेहनत लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में आप कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में कोई नई दिशा भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में मार्केटिंग व फिर मीडिया से संबंधित कार्यों में अधिक ध्यान दें। यश में अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उससे संबंधित योजनाएं बनाने की और क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। दोस्तों यश में ऑफिस में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है।